आप सबके मंगलसूत्र को ढूंढ लूंगा। और इस बार मैं ही पकड़ूंगा चोर को। हाँ हाँ हाँ, आप ही आप ही। ये तो वही गाड़ी है जिसमें चोर भागे थे। लगता है ये लोग हम पे हमला करने हैं। अरे मैं छड़ा नहीं। रोशन जो भी जाए उनके पास हथियार होंगे। ओए ये रोशन सिंह चोरी सरदार किसी हथियार से नहीं डरता। अब्दुल, अरे ये तो अब्दुल है। अरे सोनी अभी महत्व का विषय ये नहीं है कि अब्दुल को गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है। अब्दुल तुम ये बताओ कि गाड़ी तुम्हारे पास आई कैसे? ये चोरों की कार तेरे पास कहाँ से आई? चाचा जी पीछे देखिए। नहीं नहीं चाचा जी, गाड़ी के पीछे की सीट पे देखिए। आइए आइए। क्या भैया? आइए आइए, ये देखो। ओह गॉड, ये बाबूजी जी, ये तो वही है जिसने मंगलसूत्र और गहने और वो टपका घुघरे चुराया, और वही जिसने मुझे परफ्यूम सुंघाया था। अरे क्या हुआ, क्या डिब्बे तूने मेरे पैर पे पैर रख दिया? सॉरी सॉरी चाचा जी। अरे क्या सॉरी, अब्दुल ने मुझे बोला ना कि आइए चाचा जी देखिए, और सब लोग आगे चले गए तो मैं कैसे देखूंगा? अरे चाचा जी आप देखिए, आप देखिए, आप आइए आगे आइए, सब पीछे पीछे, सब पीछे हो जाओ, सब पीछे, पहले मैं देखूंगा। ये वही लोग हैं जिनके साथ हाथापाई में मेरा मोबाइल टूटा था। झूठाड़ी चोरंटी, एक बार भी नहीं सोचा मंगलसूत्र चुराते वक्त। भाभी वो बेहोश है। भागने नहीं पाया बिल्कुल। अब्दुल तूने बहुत बढ़िया काम किया कि इन चोरों को पकड़ लिया, पर एक बात बता अब्दुल, ये तूने मुंह पे कपड़ा क्यों बांधा हुआ था? वो बेहोशी वाली परफ्यूम से बचने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा तूने अब्दुल, वेरी इंटेलिजेंट। वेरी गुड अब्दुल। मैं पांडे जी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि चोर पकड़े गए। क्या हुआ? नहीं मैं इन्फॉर्म नहीं करूंगा। क्यों, क्या हुआ? मैंने जब उनको फोन किया था कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि इस बार चोर वही पकड़ेंगे। अभी किस मुँह से उनको बोलूं कि चोर पकड़े गए? पर इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना भेड़ा। सही बात है, ठीक है मैं कर देता हूँ भाई, लेकिन पुलिस को बताना तो पड़ेगा ना कि चोर पकड़े गए। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर पांडे साहब, हाँ मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ सर। एक खुशखबरी है, वो जो चोर जिन्होंने गोकुलधाम में चोरी की थी वो चोर पकड़े गए। वो अब्दुल पकड़ के लाया सर। यस हाँ हाँ, बात कीजिए ना। इनको पता मैं नहीं हूँ। बोलो मैं नहीं सर, भिड़े बोल रहा है वो नहीं है यहाँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ भिड़े नहीं है वो, जैसे अब्दुल चोरों को पकड़ के लाया तो भिड़े घर में गया दो मिनट के लिए, आ रहा है। हाँ आइए आइए। इतना क्या डर रहे हो भिड़े मास्टर? पांडे जी तुम्हें गोली थोड़े मार देंगे। गोली नहीं मारेंगे आतिफ भाई, लेकिन शब्दों से मेरा एनकाउंटर जरूर करेंगे। भाई भिड़े बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उन्हें समझा दूं, फिर तो गोली मार देंगे। नहीं नहीं चिंता मत करो, आप मुझे मजाक सोच रहे हैं। आपको भिड़ो तो डर मत यार, साहब जी पे भरोसा। पांडे जी आइए सर, मुश्किल आइए 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 आइए, पीछे पीछे पीछे, सब लोग पीछे पीछे आइए, पीछे पीछे प्लीज, पीछे 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 आइए आइए आइए। थैंक यू थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, सो स्वीट ऑफ यू।
अब आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। प्लीज कैरी ऑन। नेता बनता है क्या? थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। सलाम वालेकुम अब्दुल मियां। जनाब। अब्दुल मियां, सोचो अगर मैं तुम्हारे सोडा की दुकान के सामने दूसरी अपनी सोडा की दुकान खोल लेता हूँ तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना? अरे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ मुझे भी बुरा लगा। तुम अगर इन चोरों को पकड़ने का काम खुद करते हो तो मुझे भी बुरा लगेगा ना? शोभा देता है तुम्हें। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें ये चोर कहाँ मिले? एक मिनट, इससे पहले कि तुम अपनी कहानी शुरू करो, मैं वो सेक्रेटरी भिड़े से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो भिड़े? दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ? ये कौन है? कुछ गए हैं? बिल्ली मास्टर खड़ा था ना यहाँ कहाँ गया? अहो अहो एक मिनट, आप उनको आहो करके पुकारती हैं? हो। आप उनको जब आहो पुकारती हैं तो वो कहीं भी रहते हैं तो आ जाते हैं? हो। ओह थैंक यू। आहो 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 भिड़े, ये मैं तीसरी बार आहो बोल रहा हूं, अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं मुझे याद है पांडे जी, बिल्कुल याद है कि चोर को आप ही पकड़ेंगे। अच्छा लगता है एक शिक्षक होके तुम पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपने प्रॉमिस को तोड़ते हो, अच्छा लगता है। नहीं पांडे जी, मुझे थोड़ी ना पता था कि अब्दुल चोर को पकड़ने वाला है। अगर पिडू को पता होता ना कि अब्दुल चोर को पकड़ने वाला है तो वो अब्दुल को फोन करके बोलता कि तू चोर को मत पकड़, पांडे जी चोर को पकड़ लेंगे। पांडे जी, बेचारे भिड़े मास्टर को पता होता कि अब्दुल चोर को पकड़ के लाने वाला है तो वो आपको बता देता, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों भिड़े मास्टर, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये क्या पकड़ा पकड़ी लगा रखी है? पांडे बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए चोरों का पकड़ा जाना जरूरी है कि चोरों को किसने पकड़ा वो जरूरी? चोर पकड़े जाए वो जरूरी है। लेकिन चाचा जी, अब आप ही बताइए, हर बार आप लोग मुझे प्रॉमिस करते हो कि चालू पांडे आओ और चोर को पकड़ो, लेकिन खुद ही पकड़ लेते हो, अच्छा नहीं लगता ना? इस बार मैंने बहुत सपने लेकर आया था कि इस बार मैं चोर को मैं पकड़ूंगा, लेकिन इस बार इसने चोर पकड़ लिया। देखिए पांडे साहब, हम आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप अब्दुल से पूछिए ना कि उसने चोरों को पकड़ा कैसे। ओके हाँ, तो अब्दुल मियां, पूछ रिया सबने, अब मैं इतना काम तो करूं? हाँ तो बोलिए अब्दुल जी। वो जब चोर और चोरनी पोपट भाई से उलझ रहे थे तो मैं अरे तू जा इससे, मैं सब कर रहा हूं, बाहर लेके जा इससे, तो मैं सब कर रहा हूं। अरे तू अरे तू जा इससे, मैं किसी से मैं सब बताऊं। अरे ये कैसे छाता, ये दोनों कौन है? वाओ अब्दुल भाई, आप कार के डिक्की में छुप गए थे। वो छुप गए भाई अब्दुल भाई, एक बार मैं लेफ्ट में बंद हो गई थी ना तो मेरे तो सांस लेना भारी हो गया था, और आप कार की डिक्की में कितनी देर तक बंद रहे? बहादुर है आप, बहादुर है। अरे भाई क्या बहादुर हो, ना समझ है अब्दुल, जब तूने देखा था कि मैं चोरों के साथ उलझा हुआ हूँ और तू गेट पर पहुंच गया था तो मुझे मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। पोपटलाल तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो, अब्दुल ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। कैसे? अरे क्या कैसे, अगर वो चोर तुम दोनों को धक्का देकर भाग जाते तो बिल्कुल तो अब्दुल ये वापस थोड़ी ला पाता। लेकिन अब्दुल तुमने इन चोरों को पकड़ा कैसे? कार के डिग्गी में था
और कार रोड पे जा रही थी। लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा, क्या करूं? अरे मेरा फोन तो मालकी तेरी नहीं ले गया। ये कार कहाँ रोक दी? अरे विक्की यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? अरे मोना डार्लिंग, अब तक तो पोपट लाल ने गोकुलधाम में पुलिस भी बुला ली होगी। अच्छा तो इनका नाम मोना और विक्की है और इन्होंने मेरी गोकुलधाम की बहनों को लूटा है। लेकिन अगर शायद पोपट लाल या किसी और ने गाड़ी का नंबर प्लेट चेक कर लिया होगा तो? वेरी सिंपल, हर बार की तरह नंबर प्लेट बदल देंगे। और हाँ वैसे भी हमारी गाड़ी की डिक्की में काफी नंबर प्लेट्स है ना। चल अब ये लोग डिक्की खोलेंगे, कहीं मुझे देखकर डिक्की बंद ना कर दे। जैसे ही डिक्की खोलेंगे मैं अटक कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। अबे तू मुझे क्या पूछ रहा? मुझे कैसे पता है डिक्की में आया? अब्दुल डिक्की में कैसे आया ये बस सोचो, तुम लोगों का क्या होगा वो सोचो। गोकुलधाम की बहनों को लूटते हो, शर्म नहीं आती? अब मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को पुलिस स्टेशन। अबे तू हमें पुलिस स्टेशन ले जाएगा? अबे तू बच्चा है हमारे लिए। पुलिस हमें नहीं पकड़ पाई और तू हमें पकड़े? ओ मैडम पीछे हटो, मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। हाँ चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। तू जल्दी से चला। अबे पोपट लाल कुछ नहीं कर पाया, तू क्या करेगा? चले अब्दुल, अब तू क्या करेगा? अरे मोना जल्दी कर, प्रिंसिपल अपनी बहनों की तरह हो जा बेहोश। सॉरी विक्की। ओह माय गॉड मोना, किम सॉरी विक्की, मोना सॉरी विक्की, क्या किया मोना? सॉरी विक्की, सॉरी अब्दुल भाई, सॉरी। ओहो अब्दुल से अब्दुल भाई हो गए। अब्दुल भाई मैं क्या कह रही थी, हमारे पास 15-20 लाख का माल है, बस में बांट लेते हैं ना, बात खत्म। आप 60% रखिए, हम सिर्फ 40 रख लेंगे। गुड आइडिया, आइए गाड़ी में बैठिए। हाँ। गाड़ी में बैठिए। अब्दुल भाई पार्टनरशिप पक्की ना? ये लीजिए। ये लीजिए लीजिए अब्दुल भाई, दीजिए सुन लीजिए अब्दुल भाई, सुनिए। हाँ और जब तक ये लोग होश में आए मैं उनको यहाँ पर लेके आ गया और आप सबको बुलाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। अब्दुल भाई कहना पड़ेगा, हाँ आपकी वजह से ये चोर पकड़े गए। अरस अब्दुल भाई थैंक यू वेरी मच। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप इस तरह सबूत को अपने गोद में नहीं उठा सकते। आप सबूत को नीचे रखिए, नीचे रखिए। अब्दुल है। अरे पर सबूत पकड़ा ना। अब्दुल मियां, जब तुमने इन चोरों को पकड़ा इनको सीधे पकड़ कर पुलिस स्टेशन लाना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों ले आए? ये पुलिस स्टेशन है क्या? पंडित जी वो दिमाग में इतना टेंशन था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हाँ वो थोड़ा टेंशन में आ गए। ऐसे हालत में इसकी तरफ से हम सॉरी बोल देते हैं। क्या ठीक है? जिस तरह तुम सावधान थे ना अब्दुल, अगर इस शहर का हर नागरिक सावधान हो जाए ना तो इस शहर में एक भी चोरी ना हो। डॉक्टर साहब मुझे तो मेरी जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपको आपकी जिम्मेदारी निभाने का पूरा मौका दूंगा। आइए जरा इन चोरों को चेक कीजिए और जरा होश में लाइए। आइए दिख रहा है ना क्या? उठो जगिए जगिए जगिए। Thank you.
आ गए होश में। थैंक यू डॉक्टर। वाह वाह थैंक यू। आइए आप एक तरफ हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जी आइए बाहर आइए, प्लीज बाहर आइए। अरे पकड़ो उसको। ए हम तिकड़े आइए आइए, तुम लोगों का गोकुल धाम में स्वागत है। अरे हमारी मेहनत की कमाई लूटते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम पर तो गुस्सा इतना आ रहा है ना कि मतलब पांडे जी इनको ऐसी सजा देना कि ये किसी का नया तो क्या पुराना मोबाइल भी ना तोड़ सके, इनकी दुनिया हिला देना। आप लोग अपने जगह पर खड़े हो जाइए प्लीज, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आप प्लीज करने दो। अच्छा ये बताओ कि गोकुल धाम वासियों के बारे में तुम लोगों को इतना डिटेल में कैसे पता चला कि महिलाएं घर में कब अकेली रहती हैं? हम तो यहाँ 7 साल से आते हैं, आज तक हम ठीक से किसी को नहीं पहचान पाए। तुम दोनों को तो बड़े डिटेल में पता है, वो कैसे? सर वो बहुत दिनों से हमारी इन गोकुल धाम वालों पे नजर थी। ओ, मतलब गोकुल धाम को टारगेट बना के रखा था तुम लोगों को। पांडे जी आप जरा पहले चेक करना इन्होंने जो चोरी की है हम लोग का जो सामान है वो बराबर है कि नहीं। पांडे जी वो आगे की सीट पे है। शिशुपाल जी सर बैग ले आओ। जल्दी रवि इस बैग में सिर्फ गोकुल धाम वालों का ही माल है या और भी किसी का? नहीं सर सिर्फ गोकुल धाम वालों का ही है। ओके अब आप लोग अपने अपने रुपए पैसे गहने जोरात को जरा चेक कर लीजिए कि बराबर है या नहीं। बाबूजी नंबर 17 मिल गया। हाँ। मेरे इयररिंग्स का पेंडेंट भी। और तो वो गहना कितना प्यारा लगता है ना। एक मिनट आप इस बैग में से एक भी रुपया नहीं ले सकती, कोई भी गहना नहीं ले सकती जब तक पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई पूरी नहीं कर लेता। माधवी वो सबके कवर है कि नहीं देखो पहले उस पे। मतलब रिंग मिल गई जी, पिटाई खिलानी पड़ेगी। लव यू रोशन। अरे सब है बराबर है, सब बराबर है। अब आप लोग जरा पीछे हो जाइए। शाबाश अब्दुल शाबाश। थैंक यू प्लीज आप लोग खड़े रहिए प्लीज। मिल गया। थैंक यू वेरी मच पांडे साहब, वी आर प्राउड ऑफ मुंबई पुलिस। पांडे साहब आपका खूब खूब आभार। और अभी अभी हमारा नया नया रिनोवेशन हुआ है तो जरा घर भी देख लीजिए और गर्म गर्म चाय नाश्ता करने के लिए आइए ना। अरे थैंक यू हमें मत बोलिए, थैंक यू तो अब्दुल को बोलिए, इसने आज बहुत बड़ा काम किया है, सोडा बेचने की बजाय चोरों को पकड़ा है। वाह तारीफ के काबिल तो अब्दुल साहब है। थैंक यू अब्दुल। अरे नहीं मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। नहीं ऐसे थैंक यू नहीं बोलते। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से अब्दुल को गो वीपू यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार जाहिर करता हूँ। और अब्दुल भाई हम महिला मंडल का चोरी हुआ सामान आपकी वजह से वापस मिला है, इसलिए अगले किटी पार्टी में हम महिला मंडल आपका सम्मान करेंगे। क्या बात है, जिस तरह से सर्कस में करतब बाज पलटी मारता है ठीक वैसे
गोकुलधाम निवासियों की किस्मत पलट गई और चोरी हुआ हुआ सारा सामान अब्दुल के मार्फत वापस आ गया। भाई अब्दुल हम सबके लिए फरिश्ता बन गया, लेकिन सबकी किस्मत गोकुलधाम निवासियों की तरह तो होती नहीं, इसलिए आप लोग जरा खास ध्यान रखिए। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके घर आए और आपसे कोई जानकारी चाहे, आपसे कोई संबंध बढ़ाना चाहे, तो सोच लीजिएगा। उनसे व्यवहार बनाने के पहले 25 बार सोचिएगा। और आमने सामने तो छोड़िए, कोई फोन पे, ईमेल पे या वैसे भी आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर मांगे तो जानकारी मत दीजिए। आपका सावधान रहना बहुत जरूरी है। यहाँ तो अब्दुल था, वहां कुछ हो गया तो क्या हो? लेकिन ये जरूर तय है कि यहाँ गोकुलधाम में कुछ ना कुछ अनोखा होता है। हम अनूठे गोकुलधाम वाले हैं और हमारा व्यवहार भी अनूठा है। अनूठे व्यवहार को देखने के लिए देखते देखते रहिए। थैंक यू, लेकिन ये किसने भेजे? भेजे किसी ने नहीं है, आप ही ने तो फोन करके ऑर्डर दिया था। नहीं, आज रात तुम्हारा सपने में शादी वादी करने का प्लान तो नहीं है? नहीं नहीं मेहता साहब, अगर ऐसा होता तो वो गुलदस्ता क्यों मंगाता? वो तो वरमाला मंगाता ना। अलग क्या फर्क पड़ता है भाई, सपना पोपटलाल देख रहा है ना, तो गुलदस्ता देके शादी कर ले या वरमाला देके, क्या फर्क पड़ता है? तो शुरू किया ये गुलदस्ते का रिवाज? जो भी है आतिफ भाई, बहुत क्रांतिकारी विचार है भाई। समाज को बदल दूंगा, शादी करूंगा, गुलदस्ता देके करूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, तो शायरी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पोपटलाल यांचा कबस। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।